पार्थ चटर्जी के महाघोटाले ने ममता बनर्जी की जड़ें हिला कर रख दी हैं। वजह यह कि यह घोटाला इतना बड़ा है कि इसकी लपटों में कई मंत्री और विधायक झुलसने वाले हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे होते जा रहे हैं और इसके साथ ही ममता बनर्जी का टेंशन बढ़ता जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इन सब से बचने के लिए ममता बनर्जी अपने कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है, ताकि दागी चेहरों से सरकार को आजादी मिल सके और जनता के बीच उनकी छवि भी। माना जा रहा है कि इसके लिए ममता बनर्जी अपने पूरे कैबिनेट का इस्तीफा लेने की तैयारी कर रही हैं। ऐसा इसलिए कि जिस मंत्री पर भी भ्रष्टाचार का आरोप है, आरोप चाहे जितने भी छोटे क्यों न हो, उन सबको एक मुश्त सरकार से बाहर किया जा सके। यह सब करने के लिए ईमानदार चेहरों की जरूरत है जो अब तक बेदाग हों। हालांकि अब तक ममता बनर्जी अर्पिता मुखर्जी से ही पीछा नहीं छुड़ा पा रही, हालांकि उसे टीएमसी बाहरी बता रही है और बार बार कह रही है कि अर्पिता के घर से बरामद माल उसका नहीं है और उससे पार्टी का कोई नाता नहीं है। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और ममता सरकार की छवि का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। माना जा रहा है कि ममता ईमानदार नेताओं की तलाश कुछ सांसदों को भी कैबिनेट में शामिल कर पूरा कर सकती हैं। इन सब के अलावा नौकरशाही में भी बड़े बदलाव होते दिख सकते हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री इस बार शिक्षा सचिव को बदल दें। इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी किसी दूसरे ईमानदार अफसर को देने की बात सामने आ रही है। इसी तरह पार्टी में भी कुछ बड़े परिवर्तन संभव हैं। इस लिस्ट में जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है, युवाओं को पार्टी में और ज्यादा तरजीह दी जा सकती है, लेकिन फाइनल फैसला अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ही लेने वाले हैं। अगले महीने 5 और 6 अगस्त को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। इसके बाद 7 अगस्त को नीति आयोग की भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है, जिसका हिस्सा भी प्रधानमंत्री रहेंगे। इस बार उस बैठक में भी ममता अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगी। पिछले साल ममता ने वो मीटिंग अटेंड नहीं की थी, लेकिन इस बार वे शामिल होने जा रही हैं। वैसे जिस प्लान पर ममता विचार कर रही हैं, एक वक्त इसी रणनीति के सहारे कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत किया था, अब उसी तर्ज पर ममता बनर्जी भी बंगाल में कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे ईडी का शिकंजा बढ़ता जा रहा है, पार्टी की चुनौती भी उसी तर्ज पर बढ़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।